किन कारणों से की जाती है पीपल और बरगद की पूजा, क्या ताकत और क्या रहस्य है इन पेड़ों के पीछे। वृक्षों की पूजा सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा रही है। हमारी समृद्ध परंपरा बताती है कि प्राचीन समय से ही पेड़ पौधों की पूजा का विशेष महत्व रहा है। खास तौर पर बरगद और पीपल के पेड़ को हमेशा से भगवान से जोड़कर देखा गया है। आपने देखा होगा कि भारत के हर कोने में इन दोनों पेड़ों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यहाँ तक कि ज्यादातर मंदिर के बाहर भी पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। क्या आपके जहन में ये सवाल आया है क्यों केवल इन दोनों ही पेड़ों को धार्मिक किताबों में गुणकारी बताया गया है। आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि इन दोनों पेड़ों के पूजन के क्या महत्व बताए गए हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। महान धर्म शास्त्र भागवत गीता में खुद श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस ग्रंथ में पीपल के वृक्ष की तुलना देवों से की गई है। गीता के एक श्लोक में उल्लेख मिलता है कि पीपल के वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्र भाग में महादेव विराजते हैं। इसी तरह पद्म पुराण में भी पीपल के पेड़ को स्वयं विष्णु का रूप कहा गया है। इस वृक्ष को श्रेष्ठ देव वृक्ष बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो मनुष्य इस पेड़ को जल देता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। स्कंद पुराण भी हमें बताता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता वास करते हैं और इसीलिए इस वृक्ष की पूजा सच्ची लगन से की जानी चाहिए। स्कंद पुराण के एक श्लोक के अनुसार, पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से आप सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं, आपके कई पाप कम होते हैं। हिंदू धर्म में कई अवसरों पर खास तौर पर पीपल की पूजा को महत्व दिया गया है। पितरों का वास भी इसी वृक्ष पर बताया गया है। आपने देखा होगा कि मुंडन आदि संस्कार भी पीपल के पेड़ के नीचे ही करवाया जाता है। इसके अलावा बृहस्पति को प्रसन्न करने का मार्ग भी पीपल के वृक्ष से होकर जाता है। जब भी बृहस्पति किसी की कुंडली में प्रवेश करते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने के लिए ही कहा जाता है। कहते हैं ऐसा करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और उत्तम फल देते हैं। खुद शनि की साढ़े साती के कुप्रभाव को कम करने के लिए भी पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर परिक्रमा करने की सलाह दी जाती है। शाम के समय यहाँ दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। ये तो रही पीपल के पेड़ की कहानी, और अब बात करते हैं बरगद के वृक्ष की। पीपल के पेड़ की तरह ही बरगद के पेड़ की भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। लंबे समय तक अक्षय रहने की वजह से कई लोग इसे अक्षय वट भी कहते हैं। रामचरितमानस में भी इस पेड़ के महत्व के बारे में एक श्लोक मिलता है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस वट में कई साधुओं, ऋषियों और देवताओं ने भगवान विष्णु की उत्पत्ति के दर्शन किए हैं। कई पुराणों में वट वृक्ष की तुलना खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की गई है। कहते हैं कि इस वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्र भाग में शिव वास करते हैं। इस पेड़ के पत्ते से जुड़ी एक कथा भी सुनने को मिलती है, जिसके हिसाब से प्रलय के अंत में इसी पत्ते पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। आपने देखा होगा कि वट सावित्री का व्रत लेने वाली स्त्रियां भी इसी पेड़ की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि देवी सावित्री का वास भी इसी वृक्ष में होता है। दरअसल इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित कर एक नया जीवन दिलवाया था। तभी से वट सावित्री का व्रत समस्त संसार में प्रसिद्ध हो गया है। शास्त्रों में इस व्रत को सौभाग्य, धन और सुख शांति देने वाला कहा गया है। प्रयागराज में गंगा के तट पर स्थित बरगद के वृक्ष को तुलसीदास ने तीर्थराज का छत्र भी कहा है। कहते हैं कि भगवान शिव जैसे योगी भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तप साधना करते थे। सनातन धर्म में वट सावित्री नाम का त्योहार पूरी तरह इस वट को समर्पित है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन समय से ही इस वृक्ष को खास महत्व दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि आयुर्वेद की भी माने तो कई तरह के रोगों को दूर करने में भी बरगद का वृक्ष काम आता है।
इसके सभी भाग किसी न किसी बीमारी से पूरी तरह छुटकारा दिलाते हैं। इतने सारे गुणों के चलते इस वृक्ष का महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों की माने तो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ये वही दिन है जब महाराज शनि का भी जन्म हुआ था और सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इससे साफ होता है कि सभी देवी देवता इस वृक्ष के पूजन के पक्ष में रहते हैं। पर्यावरण के नजरिए से भी ये गुणकारी है, क्योंकि ये वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। इस तरह से ये लोगों को जीवन दान देने का काम भी करता है। तो ये थे वो कारण जो इन पेड़ों के धार्मिक महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि असल में इन पेड़ों की क्षमता क्या है। अगर आपके जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं, तो इन वृक्षों का पूजन आपके जीवन को शांति और समृद्धि से भर सकता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। विषय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।